आईटीआई छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। यहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 पदों के लिए भारी निकाली गई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोग को सारा डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट आज वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत दुख लगता है। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, ये डिपार्टमेंट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। पहले यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। तो ये आप लोग का 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, और 14 मई तक आप लोग इसको ऑनलाइन इस वेबसाइट पर भर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए आप लोग का 171 पद है, बहुत बड़ी बहाली है IT छात्रों के लिए। चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन सा ट्रेड के लिए बहाली निकाला गया है यहाँ पर। तो मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। तो मैं अभी स्क्रॉल कर लेता हूं, आप लोग देखिए मैं आ गया हूं स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2। आप यहां पे देख पा रहे हैं टोटल 171 सीट है। तो देखिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 11 सीट है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मिक्स करके है 52 सीट है, फिटर का 53 है, मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस टर्नर का 9 सीट है, प्लम्बर का 6 है, रेफ्रिजरेशन एसिड मैकेनिक का 14 है, वेल्डर का 5 है, लैब असिस्टेंट का 21 है। यानी कि टोटल आप लोग का 171 सीट है यहाँ पे। और यहाँ का क्वालिफिकेशन चाहिए तो देखिए आप लोग का मैथ साइंस से रहना चाहिए, आप लोग का 10th पास 60% मार्क रहना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो ट्रेड में ITI मतलब बहाली निकला है उसी ट्रेड में आपको ITI पास रहना चाहिए, जैसे कि ड्राफ्टमैन CB मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर मशीन टूल मेंटेनेंस, आप लोग का रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक। और यहाँ पे एज की बात कर लेता हूँ तो आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आप लोग का 24 साल होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज आपका प्रीमियरली होगा, सेकेंड एडवांस और थर्ड स्किल टेस्ट होगा। प्रीमियरली में मैथ में 20, साइंस में 20, GM में 10 क्वेश्चन रहेगा। ये क्वालिफाई हो जाने के बाद अगला मतलब कि उसी दिन आप लोग का सेकेंड पेपर होगा, जिसमें टोटल आप लोग का 50 मार्क्स का सिर्फ टेक्निकल पेपर रहेगा। सही उत्तर के लिए आपका 3 मार्क्स दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए आप लोग का 1 मार्क्स कट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर सैलरी की बात कर लेता हूँ तो आप लोग का 2 ईयर तक ट्रेनिंग है। फर्स्ट ईयर आपका 10,500, सेकेंड ईयर आपका 12,500 दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोग का सैलरी 30,000 आप लोग का यहाँ पे बनेगा। डिपेंड है आपका मतलब किस तरह का आपका परफॉर्मेंस करते हैं 2 साल बाद। अगर लेवल 4 में जाइएगा तो आपका 25,000 बेसिक बनेगा, लेवल 3 में जाइएगा 21,700 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया हूँ सारा डिटेल, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। और एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग का यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोलकाता, कोटा, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, चेन्नई, भोपाल, अहमदाबाद, मदुरई, पटना, रांची, ये सभी आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर है। फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरना है और यहाँ पर कोई भी फीस वगैरह नहीं लग रहा है। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।